R15 V4 GPS ट्रैक मतलब यार भाई कचा भी एक महीने के अंदर ही थोड़ा सा आवाज दे रहा है ये ठीक है ट्रैक बाबू 10 100 तो आप लोग देखें तो मेरा जो V4 है वो फाइनली टूट गया है क्या हालत ही खराब हो गया जय प्रकाश गुड क्वालिटी यहाँ पे जितना भी एप्स है सारा यहाँ पे इनेबल हो जाएगा सो हे गाइस जब कैसे मैं आशा करता हूँ ठीक हूँ आप लोगों के प्यार से मैं भी ठीक हूँ मैं हूँ आप लोगों का दोस्त जॉय प्रकाश मंडल। तो आज हम फिर से हाजिर है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मजेदार ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज का जो ब्लॉग होगा बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेशन ब्लॉग होने वाला ठीक है, क्योंकि आज मतलब मेरा जो जर्नी है मतलब R15 V4 जो 2 महीने पहले लिया था उसका आज मतलब हम लोग वाईफाई जो कनेक्शन मतलब जो ब्लूटूथ कनेक्शन वो लगाने वाले हैं। तो वाईफाई कनेक्शन जो R15 V4 है उसमें ये फैसिलिटी दिया गया है मतलब न्यू फैसिलिटी आया है, तो इसलिए आज हम जाके उसको लगाने वाले हैं। उसको लगा के मतलब बहुत कुछ फ़ायदा है ठीक है, फ़ायदा बोले तो एक फ़ायदा मैं आप लोग को बोल रहा हूँ GPS ट्रैक मतलब बाइक अगर कोई लेके जाएगा तो आप आराम से मोबाइल से ट्रैक कर सकते हो। मतलब अगर आपका दोस्त अगर बाइक लेके चला गया तो आप लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि बाइक कितना दूर चला, ठीक है आपको बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे लेकिन वो चला गया बहुत दूर, इसलिए आप लोग मोबाइल में देख पाओगे कि बाइक कितना दूर गया है और मेरे दोस्त से वो मेरा बाइक लेके कितना दूर गया, ठीक है सब कुछ ये इस वाईफाई कनेक्शन के जरिए हम लोग देख सकते हैं। तो इसी को आज हम लगाने के लिए जा रहे हैं ठीक है। तो इतने दिन से आए नहीं थे, आज फाइनली आ चुका है, तो अभी हम जाएंगे उसको लगाएंगे और आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो आप लोग लास्ट तक रहो वीडियो में सब कुछ देखने के लिए। सो मिलते हैं आप लोगों से सीधा रास्ते पे। सो गाइस अभी हम घर से निकल रहे हैं, तो बाइक का चाबी किधर है यार? बाइक का चाबी थोड़ा सा घर में काम था इसलिए हम थोड़ा सा लेट करके जा रहे हैं। तो दिस इज़ माय V4। सो गाइस अभी हम लोग लास्ट तक रहो वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को ठीक है, मतलब कैसे वो लगता है वाईफाई कनेक्शन। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। सो मतलब उन लोगों ने हमें बोला था कि बाइक खरीदने के एक महीने के अंदर ही मतलब वो जो काम है वो हो जाएगा ठीक है, लेकिन अभी तक वो काम हुआ नहीं, अभी 2 महीने हो गया उसके बाद ये काम होने जा रहा है ठीक है। मतलब जो सीट कवर हम बाइक में लगाते हैं V4 का सीट कवर वो अभी तक आया ही नहीं ठीक है, तो हम अभी क्या ही करें। तो बाइक का जो पीछे का ब्रेक है उसमें थोड़ा सा आवाज़ दे रहा है ठीक है मेरा, सो इसलिए अभी हमें वो भी बोलना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है भाई, तो इसको ठीक कर दो जल्दी जल्दी से। और इसमें लगाएंगे वाईफाई कनेक्शन, हम लोग देख सकते हैं दिस इज द वाईफाई कनेक्शन ये है ठीक है, हम लोग ठीक से दिखाई दे रहा होगा कि नहीं ये लोग मतलब V4 लेगा सिर्फ उन लोगों को ही ये कनेक्शन देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही हम जल्दी जल्दी जाना है, बाइक को थोड़ा सा पिकअप में भगाते हैं ठीक है। तो वैसे मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्या करें। तो बहुत दिन वेट करने के बाद फाइनली हमें जो वाईफाई का कनेक्शन है वो देखने को मिलेगा बाइक खरीदने के मतलब समथिंग 15 डेज या फिर 1 महीने के अंदर ही हम लोगों को वो लगा देना चाहिए ठीक है, ताकि बाइक का जो सेफ्टी है वो ज़्यादातर बना रहे। ओ भाई साहब कितना ठंड है यार, मैं जैकेट भी नहीं लाया। ओहो अरे ट्रक बाबू क्या कर रहे भाई। तो मतलब ये ट्रक इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा ट्रक हमारे यहाँ क्यों चलता है भाई, इतना छोटे छोटे रास्ते पे ट्रक काहे को लाते हैं आप लोग। सो लोग गाइस लगभग हम पहुँच ही गए, ज़्यादा दूर तो है नहीं अभी वो ठीक है। सो बाइक को हम थोड़ा सा भगाते हैं ठीक है। ओके 90 हुआ नहीं अभी तक, क्या 90 हो गया, 90 हो गया, 96 क्या फीलिंग है भाई। सो सामने ही है जो मतलब मेरा यामा का शोरूम जहाँ से मैंने बाइक को लिया था। तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँचने वाला हूँ आज 2 महीने के बाद, मतलब मेरा जो जेरी है वो अपने भाई लोगों से मिल पाएगा। क्या भाई क्या ही बोला अभी ठीक है। तो फाइनली शोरूम पे पहुँच गए अभी हम। চেন টু অলপ কিবা হৈছে লাগে, এটো কিবা ঠিক কৰিব লাগে, সার্ভিসিং নহয় আৰু চেন ক্লিয়াৰ লগাব লাগে।
चेन क्लियर ना, चेन क्यूब सर्विसिंग ना। फाइनली मतलब इसी जगह पे पहुंच गए हम, अभी इसका काम सब कुछ चला गया। ठीक है सर, ये मतलब बाइक का जो बेकार है उसको सब कुछ मालूम पड़ गया कि बाइक में क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी ठीक करके हमें देने वाले। ठीक है, सब लोग देख सकते हो, दिस इज द चेन स्प्रे, ये अभी चेन में लगने जा रहे हैं, ये अभी चेन में लगे हैं। ठीक है, मतलब मेरा जो चेन है वो अभी देखो लूज हो गया बहुत सारा, लगने के बाद बाइक का जो चेन है वो ठीक हो जाएगा। तो फाइनली अभी चेन में चेन स्प्रे लग गया। ठीक है, तो फाइनली बाइक का जो चेन क्लियर था, जो चेन का स्प्रे था वो लग गया। ठीक है, और जो चिक्के का आवाज कर रहा था उन्होंने तो ठीक करवा लिया। अभी हम जाएंगे आगे जो शोरूम है, वहां पे जाने के बाद उसके जो वाईफाई कनेक्शन है वो भी लगाएंगे और फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। ठीक है, तो अभी उसका जो पार्ट खुला था उसे पार्ट अभी लगा रहे थे। तो गाइस, अगर मतलब मेरे चेहरे के साथ ऐसा कुछ होता तो मतलब मैं क्या ही करना। ठीक है, ये भी तो शायद किसी का जेरी होगा या फिर कुछ और ही होगा, लेकिन इसका हालत ही खराब हो गया। देखो आप लोग, लेकिन फिर भी बाइक जो है अभी भी जिंदा है। ठीक है, अभी मरा नहीं है बाइक, चाबी जो ऑन हो रहा है। तो मतलब ऐसा बाइक को देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगे। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो क्या है, टाटा भाई भाई। तो अभी हम लोग सीधा थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, तो वहाँ पर पेमेंट भी करना पड़ेगा, जो स्प्रे का पेमेंट वो करने के बाद मैं आप लोगों को सीधा मिलता हूँ। ठीक है, शोरूम पे। तो गाइस, फाइनली मतलब शोरूम के अंदर अभी जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो वाईफाई का कनेक्शन लगने वाला है। क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या? निक नेम क्या था भाई? जयप्रकाश, JOY। तो ब्लूटूथ पे ओके, इसके नियर से शो कर। हेलो हेलो, कनेक्ट हो गया ना अभी? हाँ, देखो ये नेक्स्ट नेक्स्ट मोड का हो गया, स्टार्ट हो गया। अभी देखो तुम्हारा सर्विसिंग कितना टाइम हो गया? अभी सर्विसिंग किया नहीं क्या? हाँ, सर्विसिंग किया। कितना पर? कितना दिन हो गया? एक महीना हुआ नहीं अभी तक। तुम्हारा सर्विसिंग करने का टाइम हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, मतलब वो मोबाइल अच्छा नहीं है, ये देखो वो मोबाइल देखना है, टेस्ट करना है ना, तो यहाँ पे जाना। ठीक है, इंजन ऑयल स्टेटस इज डिस्प्लेड ऑन द फॉलोइंग 3 आइकॉन्स। ये अभी गुड क्वालिटी, ये वाला चेक मतलब मिडिल क्वालिटी पे, क्योंकि ये वाला मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा तुम्हें, तो रिप्लेस आ रहा है, इसको रिप्लेस कर देना तुम। ठीक है, दो तीन दिन बाद करा लेना ये।
मतलब मोबाइल चेंज करना पड़ेगा फिर से। और तुम्हारा ये बैटरी, ठीक है, ये बैटरी हो गया कनेक्टेड, ये वाला बैटरी हो गया, अभी तुम्हारा बैटरी गुड क्वालिटी चेक आ जाएगा, अगर बैटरी खराब हो गया तो ये वाला आ जाएगा। अच्छा तो कॉलिंग बटन और मैसेजेस मिलेगा और तुम्हारा व्हाट्सएप मिलेगा, क्या क्या चाहिए तुम्हें, जो भी इनेबल कर सकता है हाँ, जितना भी तुम्हारा यहाँ पे जितना भी एप्स है सारा यहाँ पे इनेबल हो जाएगा करने से, और तुम्हें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो करा सकता है तुम। व्हाट्सएप इनेबल कर दिया, चलो इसका अच्छा वाला एक फोटो लिया हुआ है, ये कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, कभी हो जाएगा कभी प्रॉब्लम होता है। कनेक्टिव तब होता है जब तुम इग्निशन ऑन करेगा, ठीक है। तो अभी इसमें जो वाईफाई का कनेक्शन था वो फाइनली लग चुका है, ठीक है, तो वो मतलब मेरे मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। तो अभी इसमें मतलब बहुत सारे फैसिलिटी, ठीक है, मोबाइल आप लोगों का कैसा चल रहा है, पेट्रोल माइलेज कितना सब कुछ दिखाएगा। तो जो इसके ऐप है, ठीक है, इसका ऐप का नाम है वाई कॉन्टेक्ट। तो इस ऐप के जरिए हम सब कुछ इस बाइक के अंदर क्या कुछ चल रहा है सब कुछ देख सकते हैं, मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा फैसिलिटी है, ठीक है। तो अभी इसका जीपीएस का मतलब जो प्रॉब्लम वो अभी दे रहा है, क्योंकि नया नया है ना, इसलिए थोड़ा जीपीएस का प्रॉब्लम दे रहा है। तो अभी कुछ दिन के बाद बोल रहे हैं कि वो भी ठीक हो जाएगा, तो आई होप कि वो ठीक हो जाए। सो अभी चलिए चलते हैं घर में, सो अभी घर के लिए निकलते हैं, ठीक है। तो उससे पहले करते हैं बाइक को स्टार्ट और चलिए चलते हैं घर में। सो गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग भी R15 V4 लोगे, तो इन सब बातों का भरपूर मात्रा में ध्यान रखना कि खुद ब खुद अपने मोबाइल से R15 V4 को कनेक्ट नहीं करना है। जो शोरूम का मालिक है या फिर जो वर्कर है उन लोगों से ही आप लोगों को ये कनेक्ट करवाना है, ठीक है। अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग चाहिए फिर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बोलना, तो मैं आप लोगों के लिए बना के दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए बारे में सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट करना। मिलते किसी और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सी यू लेटर।